हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाएंगे ट्यूलिप सलवार। अब आप ये सोच रहे होंगे यार, ट्यूलिप फ्लावर तो सुना था, ये सलवार भी होती है। हाँ यार, मैंने भी पहली बार ही सुना और देखा, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने कहा चलो मैं भी उसको बनाती हूँ। सबसे खास बात ये होती है कि सिर्फ 2 मीटर के कपड़े में बन के रेडी हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को यहाँ 2 पार्ट्स में फोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद जो खुला पार्ट्स होता है ना और बंद पार्ट्स आपकी तरफ होना चाहिए, उसकी तरफ से हम इसे ऐसे कोन जैसा शेप दे देंगे। और ये ऊपर वाला जो कपड़ा होता है ना, इसको कम से कम 2 इंच हमें छोटा रखना होता है। मतलब इसको 2 इंच अपनी तरफ से हटाकर रखना होता है। फिर नीचे की साइड से हम कोई भी एक निशान लगा लेंगे 2 या 3 इंच पे। हम इस निशान को कट नहीं करेंगे, सिर्फ लगाएंगे। उसके बाद जो आपकी लेंथ है, मान लीजिए जैसे आपकी 40 की लंबाई है तो आप यहाँ 38 रखेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाता है। तो 1 इंच प्लस करके हम इसमें रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 38 रखा है, क्योंकि मुझे 39 की सलवार चाहिए, तो मैंने यहाँ 38 के लगभग यहाँ रखा है। और 38 ही नाप कर पूरा उसके एक गोलाई से हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ 10 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया है, और वही जो सेम मैं आपको बता रही थी 2 इंच छोड़कर, उसी गैप में हम इसको निशान लगाएंगे। 2 इंच का आसन का निशान लगा के हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जब हम यहाँ इसे ऊपर से कट कर देंगे, और उसके बाद हम इसका आसन भी कट कर लेंगे जो हमने आसन पे निशान लगाया है। और देखिए कुछ इस तरीके से ये कट हो जाएगा। उसके बाद मैं देखो इसको आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसी लगती है। ये हम इसका पहला पार्ट हटाएंगे, हमारे पास यहाँ पे अब 2 पार्ट हो गए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये जो बीच वाला बस ये एक ही आसन आएगा, इस तरीके से ये दोनों को जॉइंट करेगा। तो आप घबराइएगा मत कि ये कैसे हो गया, ये एक ही रहेगा। इस तरीके से रहने के बाद हमें फिर क्या करना है, बचे हुए कपड़े से हम 2 इंच की अपनी बेल्ट काट लेंगे। तो यहाँ जितना भी आपकी चौड़ाई है कमर की, 40-42 जितना भी आप रखते हैं, वो नाप के 2 से 3 इंच की आप यहाँ बेल्ट काट लीजिए। मैं तो यहाँ इसमें इलास्टिक डालने वाली हूँ। अगर आप कमर बंद या कुछ और डालने वाले हैं तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ चौड़ी वाली इलास्टिक रखने वाली हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बेल्ट काटी है। कहीं ये देखिए हमारी ये बेल्ट कट गई है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद देखिए जो हमने ये आसन कट किया था, हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से गोल एक सिलाई लगा लेंगे। सेम जिस तरीके से आसन कटा हुआ है वैसे ही हम इसमें मियानी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही कट करेंगे। और ये ऐसे ही काफ़ी मतलब लूज़ होती है और अच्छी होती है, फिटिंग की होती है, तो ये ऐसे ही काम आएगी। तो हम इसको देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। और आगे ये देखिए हमारी ये सिलाई लग गई इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले दोनों पार्ट्स को ऐसे पकड़ेंगे और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को ऐसे पकड़ेंगे। मैं आपको उसको रख कर दिखा रही हूँ कि ये कैसे लगेगी। तो दोनों जो छोटे वाले पार्ट्स है वो आगे रहेंगे और जो बड़े पार्ट्स है वो पीछे रहेंगे। दोनों आसन को आसन से मिला दीजिए और इस तरीके से देखिए जैसी सलवार कटी हुई है कोन जैसी, ये सेम वैसे ही सलवार बनने वाली है। छोटे पार्ट्स आगे आ गए हैं, ये इस तरीके से देखिए ये रहने वाला है। फिर नीचे से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, जहाँ से आप पैर डालेंगे वहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो छोटा वाला पार्ट्स है वहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, दोनों ही तरफ छोटे वाले पार्ट्स पे हम 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए 11 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर वाले पार्ट्स पर क्रॉस लगा लीजिएगा। उस पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले से करना है। फिर उसके बाद जो आपके पास लेस हो उस लेस को आप ले लीजिए, और देखिए ऊपर वाले बड़े वाले पार्ट से हम ऊपर से ही इस लेस को लगाते हुए आएंगे, और नीचे वाले पार्ट्स पे जहाँ आपने 11 तक निशान लगाया था वहाँ तक ही इस लेस को लगाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ वहाँ तक। ऊपर भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन वो ऊपर ढक जाएगा, कोई यूज़ का है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर तक नहीं लगाया, क्योंकि वेस्ट ही हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको पक्का करके इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए, पूरा जहाँ तक मैंने आपको बताया 11 तक निशान लगा लीजिए। बहुत जल्दी बन के ये रेडी हो गई थी सलवार, और बहुत कम मतलब समय लगा था, और आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना वो है, लेकिन नहीं, बहुत ईजिली बन गई थी यार। सिर्फ एक ही कटिंग है इसमें और सिलाई भी इतनी ईजी है कि पूछो ही मत। इस तरीके से देखिए मैंने एक पार्ट बना लिया और दूसरा भी रेडी कर लेंगे। फिर हमें नीचे से जितने आपको अपनी मोरी रखनी है उतना निशान लगाएंगे। मैं यहाँ 7 इंच की रखने वाली हूँ, तो 7 इंच का निशान लगाएंगे। और आसन की साइड से 2-2 इंच का निशान लगाते हुए जहाँ तक 7 इंच की आपने मोरी रखी है वहाँ तक एक सीधी लाइन बना लेंगे, ताकि सिलाई करते हुए हमें दिक्कत ना हो। और चाहें तो सेफ्टी पिन से आप इसको टाँग सकते हैं, ताकि कपड़ा हटे नहीं। और ये याद रखिएगा कि नीचे वाले कपड़े को मत सिल देना, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को सिलना, वरना हम टांग कहाँ डालेंगे। तो इसलिए हमें ऊपर वाले कपड़े को ऐसे देखिए सिलते हुए जो हमने निशान लगाया था 2 इंच का,
बिल्कुल इस तरीके से सिलते हुए हमें नीचे तक 7 इंच तक जहाँ हमें मोहरी बनानी है, देखिए नीचे खुल गई है मोहरी, वहाँ तक बनाना है। इसी तरीके से सेम आपको दूसरे वाले पार्ट्स में भी इस पर निशान वो सिलाई लगा लेनी है। फिर अपनी बेल्ट को और जो ये आपका सलवार है इसको आपको सेम हमें प्लेट भरनी है, जैसे हम नॉर्मल और सलवारों में भी प्लेट भरते हैं, घूम भरते हैं, वैसे ही हमें इसमें घूम भरने हैं। वो आपके अकॉर्डिंग है, जैसे साधारण सलवार में तो बहुत सारे घूम्स होते हैं, इसमें आपके अकॉर्डिंग है कि जितना आप कपड़ा बच रहा है उसको डिवाइड कर लीजिए और 3, 4, 5 जितनी भी प्लेटें आपकी बन रही हैं छोटी बड़ी आप वो इसको लगा लीजिए। चार इसमें अगर आगे 3 प्लेट हैं तो पीछे वाले पार्ट में भी 3 ही आएंगी, सब जगह इक्वल रहेंगी चारों पार्ट में। उस तरीके से आपको उसको डिवाइड करके प्लेट भर लेना है। फिर और ऊपर के साइड हमें इसका जो नेफा है वो भी हमें इसको मोड़ लेना है और थोड़ा सा हम इसे खुला छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, इसलिए सारे में सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको खुला छोड़ दूँगी जिससे हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ऐसे लगा के यहाँ खुला छोड़ा था, इसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ अपनी चौड़ी वाली। और इलास्टिक डालने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो लास्ट में मैं इस इलास्टिक को भी सिल के और जो थोड़ा सा पार्ट हमने छोड़ा था उसको भी मैं सिल दूँगी, मतलब इसको कंप्लीट कर लूँगी पूरा। मेरे फ़ोन में यहाँ स्पेस कम हो गया था इसलिए मैं प्रोसीजर आपको दिखा नहीं पाई थी। और इस तरीके से देखिए हमारी ट्यूलिप सलवार मात्र आधे घंटे में बनके रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सलवार कैसी लगी है। और बहुत ही कम कपड़ा और बहुत ही कम सिलाई में बन के ये रेडी हो गई है।